क्रूड ऑयल में फिर से जैकपॉट हाथ लगने वाला है, जो मैंने पहले जैकपॉट बनाया था गाइस, देखिए ठीक है ना, क्रूड में यहाँ पे आपको जैकपॉट का वीडियो दिखा होगा, ये देखो ठीक है ना, पहले हमने बोला था 80 से 65 और ये 65.27 आया, ऐसा का ऐसा ही जैकपॉट आपको फिर से मैं देने वाला हूँ क्रूड ऑयल में। वो क्या है वीडियो देखिए, क्रूड ऑयल में मचने वाली है तबाही, भयंकर तबाही गाइस, प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन गाइस चाहिए। तो गाइज मैंने अपनी कार का एसी ऑन कर रखा है, अगर आपको तकलीफ है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं तेज बोल रहा हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो। तो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल का, मंडे का क्या एनालिसिस रहेगा, क्रूड ऑयल की कौन कौन सी लेटेस्ट न्यूज आई है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्रूड ऑयल में कौन कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वगैरह रहेंगी, क्रूड ऑयल के वीकली लेवल्स क्या रहेंगे, क्रूड ऑयल के शॉर्ट टर्म लेवल्स क्या रहेंगे, क्रूड ऑयल का एक्सपायरी का लेवल्स क्या रहेगा। अरे यार पूरी जान झोंक देंगे यार, क्यों नहीं भाई, हमारा पैसा लगता है भाई साहब, क्यों ना सीखे ढंग से। तो आज क्रूड ऑयल की वीडियो में बहुत सारी चीजें बात करने वाले हैं गाइस, शुरू से लेके आखिर तक देखिए, आपकी इच्छा अगर आपको नॉलेज लेना है तो शुरू से लेके आखिर तक देखिए, नहीं तो इंस्टाग्राम पे जाके ठुमके देख लीजिए लोगों के, ठीक है आपके ऊपर है। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध दे, क्योंकि मार्केट में चीख मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है, मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो गाइस वंदे मातरम, इसके साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, प्लीज कमेंट इफ यू लाइक योर इंडिया स्टार्ट। ओके तो आपको तो पता ही है कि हम सबसे पहले न्यूज से स्टार्ट करते हैं, बिफोर दैट अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के ऑल जरूर दबा दें गाइस, ऑल दबाना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग मेरे पास आते हैं कि सर आपकी वीडियो में नोटिफिकेशन नहीं है। अरे भैया ऑल दबोगे तभी तो नोटिफिकेशन आएंगे, ऑल दबाने से क्या होता है जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत VIP की तरह आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो प्लीज हिट ऑल आइकन। ओके तो चलिए हम न्यूज पे आ जाते हैं। तो ये है भाई 13 सितंबर की गर्मागर्म खबर, ठीक है, और ये वाली न्यूज नहीं, ये वाली न्यूज तो हमारे उसके लिए है, ये वाली न्यूज कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बात करने की जरूरत है अपने को। देखिए प्लमेट, बहुत सारी न्यूज आई है क्रूड ऑयल की, बहुत सारी न्यूज, काफी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर न्यूज कहाँ देखते हैं, तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा और इसके बाद investing.com, Bloomberg, Reuters and so many other sites are there, right? ये देखिए, ओके तो चलिए मैं यहां से बता देता हूँ, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं आपको फटाफट न्यूज बता देना। ऑयल नेट शॉर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, ये तो पता ही है, और ये हिस्ट्री किसने रची है भाई साहब, आपके मेरे मार्केट मैजिक मंत्रा ने ही इतिहास रचा है, पहले वीडियो बनाया था किसने, वीडियो बनाया देखिए गाइस, वीडियो देखिए मेरा यार, इतने सुंदर सुंदर वीडियोस बनाए, इतनी मेहनत से बनाए, ये देखिए ये रहा वीडियो अपना क्रूड ऑयल में, ये रहा जैकपॉट, क्रूड ऑयल में जैकपॉट लग गया था जैकपॉट। अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि काफी लोग ये सोचने में लगे सर क्रूड ऑयल चला गया, मैं दोनों के लेवल बताऊंगा गाइस, इंडियन मार्केट के भी और इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन अब काफी लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब अब तो बहुत बॉटम हो गया है क्रूड ऑयल, क्यों ना यहाँ से ले लिया जाए और आगे फर्दर अपसाइड के लिए देखा जाए, काफी लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन है, तो मैं उनके भी क्लेरिफाई करूंगा क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे है कि बहुत ज्यादा शॉर्ट हो चुका है, तो इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा मतलब गुस्से में है और नाराज और सकते में, यू नो वो सदमे में, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब भी इस तरह का होता है ना कोई भी कंपनी, क्योंकि देखो ऑयल की प्राइसेस ड्रॉप हो रही है तो इस समय बाजार मंदा रहता है, इस समय अगर वो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा कर दे मान लो, ठीक है, और मार्केट में कोई लेने वाला ना हो तो ऑल नुकसान, ठीक है ना, तो यही बात यहाँ पे लोगों को खाए जा रही, मतलब जो बड़े बड़े जो भी ट्रेड के उत्पादन करते हैं ये ऑयल का उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे डस्ट सिटी द हाउस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट बर्निंग ऑयल इन एयर ट्रेवल एड्स, क्या होता है मैं बता देता हूँ ये क्या इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है ना, दैट हैज जस्ट बिकम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू बैन ऑयल एड इज आउट फॉर लार्ज एनर्जी कंज्यूमिंग इंडस्ट्री इंक्लूडिंग एयर ट्रेवल, द हग वो सिटी काउंसिल फ्राइडे अडॉप्टेड द प्रपोजल टू बैन दीज एड्स फ्रॉम द जनवरी टू नीदरलैंड एडमिनिस्ट्रेशन वेयर द पार्लियामेंट द सुप्रीम कोर्ट द सिटी इज वर्ल्ड फर्स्ट टू अडॉप्ट सच अ बैन आफ्टर UN सेक्रेटरी। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना, पूरा वर्ल्ड ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है, अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जा रहा है, अल्टरनेट एनर्जी कौन कौन से पार्ट होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया आपका, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गए, यू नो सोलर वाइंड एनर्जीज हो गए, इन सब की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, राइट, तो ये उसी पे एक कदम आगे कि इन्होंने बस इस तरह के यू नो वीडियो को बैंड कर दिया क्रूड ऑयल से रिलेटेड,
ठीक है ना, आप खुद सोचिए जिसमें ईंधन क्रूड ऑयल का डलता है, इसमें ना ये जो जेट वगैरह होते हैं इनमें कौन सा ईंधन डलता है? एग्जैक्टली क्रूड नहीं, फ्यूल वही डलता है मिक्स होके या कुछ ऐसा करके वो क्रूड डलते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स करने की जरूरत, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स इज नॉट यू नो चीप फ्यूल। मैं आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि इसको रिन्यूएबल करना पड़ता है, यू नो रिसाइकल करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको रिन्यूएबल एनर्जी मिलती है फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, राइट, जो कि एक अभी महंगी चीज है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये वाली जो न्यूज है, लीबियन ऑयल प्रोडक्शन प्लमेट एज पॉलिटिकल क्राइसिस पर्सिस्ट। देखो हर जगह आपसे एक ही न्यूज मिल रही है, और मैंने आपको पहले भी बोला था, याद है ना अमेरिकन इलेक्शन वाली थ्योरी, याद है अमेरिकन इलेक्शन वाली थ्योरी, ओके आपको याद होगा, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए, अगर आप मेरे वीडियोस रोज देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा, मैंने अमेरिकन इलेक्शंस के बारे में बोला था ना, अमेरिकन इलेक्शन जैसे ही पास आएंगे सारी नेगेटिव न्यूज आएगी क्रूड ऑयल की, क्योंकि वो सारी पक्की पकाई होगी, ठीक है ना, क्योंकि देखो भाई साहब इनको फैट कट तो करना ही करना है, फैट कट नहीं करेंगे, फैट कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, महंगाई कंट्रोल में करनी पड़ेगी, महंगाई कंट्रोल के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब, क्रूड ऑयल को नीचे लाना पड़ेगा, है ना। अब इसी के आधार पे मैं न्यूज के आधार पे आपको पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, फिर टेक्निकल चार्ट पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाऊंगा, फिर स्ट्रेटजी पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाऊंगा, फिर सबको कंबाइंड करके एक अपना परफेक्ट एनालिसिस आपको दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है, मैं इसको डिटेल में नहीं जाना चाहता, आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। रशियन ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी प्लमेट, ठीक है, फिर रशियन की ऑयल, देखो आप हर जगह, आप देखिए हर जगह प्रोडक्शन की कमी, मतलब कोई खरीदने वाला ही नहीं भाई साहब, अरे कोई खरीदने वाला ही नहीं है क्रूड ऑयल, क्यों नहीं खरीदने वाला, अमेरिका खड़ा हुआ भाई, अमेरिका बोला हम पूरे दुनिया को बोल रहा सबका माए बाप मैं हूँ, ठीक है ना, किसी की औकात है क्रूड ऑयल खरीदने की, खरीद के दिखा दे भाई साहब, तू जितना खरीदेगा उतना हम हेमर करेंगे, क्योंकि भाई साहब हमको इलेक्शन जीतना माए, इलेक्शन जीतना भाई, नवंबर में इलेक्शन आ रहा है, तुम अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ाओगे तो साले हम कैसे जीतेंगे इलेक्शन, ओके ऐसा ही बाइडन बोल रहा है, राइट, समझ रहे हो मेरी बात, है ना, इसीलिए क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर नहीं जाती, काफी लोग सोच रहे हैं कि 70 पे ले लेते हैं यार, 75 तो चला ही जाएगा, क्या ही है, है देर सवेर चला ही जाएगा, ले लेते हैं, वो लोग अच्छे तरीके से फंसने वाले हैं। चलिए बताऊंगा मैं आपको आगे, ठीक है ना। तो चलिए ये तो न्यूज है, न्यूज के बेसिस कंप्लीट बीरिश, फुल टू बीरिश बोले तो फुल टू बीरिश है ना। अब मैं आ जाता हूँ टेक्निकल चार्ट पे, ठीक है, तो जैसे टेक्निकल चार्ट पे आया अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस कॉल इज ऑनली, सॉरी दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज, इवन दिस चैनल इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज, यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेफ एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर, नीदर रिस्क मैनेजमेंट स्पेसिस नॉर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्पेसिस, आई एम इंडिविजुअल, ठीक है। फिर भी अगर यहाँ पे किसी तरह के लेवल की बात कर ली जाती है, काइंड ऑफ पेपर प्रैक्टिस, जिसका मतलब ये होता है कि हमें अपनी लर्निंग एंड एजुकेशन को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज, उसके बाद भी आप नहीं मानते हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे रियल ट्रेड करने लगते, तो आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं बनती भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल की, फिर अपने यू नो नेशनल लेवल की भी बात करेंगे, ठीक है। तो भाई साहब वन वीक का चार्ट देख लेते हैं, कल ये नीचे गया था, कल हमने बोला था 5,750, वो आऊंगा मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ग्रुप मेंबर्स, और काफी लोग बोल रहे हैं सर आपका व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर क्या है भाई साहब, तो देखिए आपको जुड़ना है तभी मैसेज करिए मुझे, बाकी ना करिए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर बोल रहा हूँ 8209791938, इस पे आप मुझे मैसेज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ 8209791938। तो देखिए यहाँ पे वन वीक का चार्ट क्या कह रहा है गाइस, एसी ऑन कर देता हूँ। देखो वन वीक का चार्ट अभी भी बुलिश है, ठीक है, अभी बीरिश नहीं हुआ है, बट मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने यहाँ पे एक चीज बोली आपको कि यहाँ पे रेंज बाउंड होने वाला है, मैंने 3 या 4 दिन पहले ही अपने ग्रुप में बोल दिया था कि यहाँ पे रेंज बाउंड होने वाला है, और इस रेंज में ये काफी टाइम तक अटकने वाला है, जी हाँ इस रेंज में ये काफी टाइम तक अटकने वाला है, बहुत अटकने वाला है। इसका क्या मतलब है बताऊंगा आपको, कैसे अटकने वाला बताऊंगा मैं आपको, वन वीक का सपोर्ट के आसपास है। थ्री मंथ का तो देखिए अगर चार्ट के बेसिस देखे जाए तो बुलिश एंड बीरिश, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ लाइक यू कांट से लाइक फुल बुलिश फुल बीरिश, इट्स समवेयर मिड ऑफ दैट, ओके। लेकिन अगर आप मुझसे पूछा जाए तो मैं आपको यहाँ पे एक चेक रेंज बाउंड बनूंगा, रेंज बाउंड की हमारी एक स्ट्रैटेजी है जो मैं यहाँ रिवील नहीं करूंगा, अगर आप जुड़ते तो आपको बता दी जाएगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ज्यादा टाइम रहता नहीं है, पहले ही वीडियो इतना लंबा हो जाता है कि लोग मुझे कोसने लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्दर बता देता हूँ कि भाई क्या होने वाला है, देखो
सोमवार को क्या रहने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब सोमवार को ही नीचे जाएगा और मुझे वापस से लग रहा है कि आपको 68 के लेवल्स आसपास आते हुए आएंगे और जो रेंज बाउंड रहेगा हमारा वो रहेगा इन बिटवीन 66 to 70। ये रेंज बाउंड मुझे लगता है कि ये पूरा महीना तो रहने वाला ही है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। आज है 14 तारीख, मुझे लगता है अगले 16 दिन तक ये यही रहने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 72, इससे ज्यादा नहीं, ये यही रहने वाला है और यही घूमने वाला है। तो जब भी देखो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ चेक पॉइंट्स वगैरह बनाता हूँ जो मैं ग्रुप में दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको सोमवार को क्या रहेंगे, फिर वीकली वगैरह के बारे में बताऊंगा। सोमवार को मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको 68 के लेवल मिल जाएंगे फ्रॉम करंट और रेजिस्टेंस रहेगा 70.2 का। वीकली बेसिस मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको वीकली बेसिस वापस से आप 66 के लिए देख सकते हैं, ओके। एंड बट उससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है ये प्राइस है ना मेंटेन करेंगे। और इसका तरीका बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला आपको, टेक्निकल चार्ट पे भी बताऊंगा, पहले मैं आपको अपनी थ्योरी बता देता हूँ। देखो मैं कभी भी आप चीज़ है ना, जैसे मान लो हमको इंडिया में महंगाई कम करनी, तो महंगाई कम करने के लिए हमें रेपो रेट कट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। रेपो रेट कट करने के लिए कुछ तो टूल होना चाहिए हमारे यहाँ पे, जो क्रूड ऑयल अगर महंगा हो गया तो सब चीज़ें महंगी, अगर वो सस्ता हो गया क्रूड ऑयल तो महंगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि सिर्फ 15 दिन के लिए सॉरी क्रूड ऑयल 70 के नीचे चला गया, सिर्फ 15 दिन के लिए, फिर वापस से ऊपर आ गया, तो उससे क्या इन्फ्लेशन कम हो जाएगी? नहीं यार, इन्फ्लेशन ऐसे कम नहीं होती है। क्रूड कम से कम 2 महीने तक वैसे ही रहे तब जाके इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होता है, तब जाके सेंटिमेंट्स बढ़ते हैं कि हाँ भाई इन्फ्लेशन को कट करें। ये कोई वैसा थोड़ी है आज क्रूड कम हो गया तो भाई कल रेपो कट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये रेंज बाउंड में ही रहने वाला है, क्योंकि अगर इसको ऊपर ले गए तो इनका जो बना बनाया स्ट्रैटेजीज वगैरह सब बोकस हो जाएगा ना अमेरिका का, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा, वापस से 75-78 चला गया तो फिर से वही बात हो गई वापस से। पहले इन्होंने इन्फ्लेशन कम की फिर बढ़ा दी, तो फिर रेपो रेट कट करेंगे तो सब लोग आलोचना करेंगे, भाई साहब ये महंगाई में भी रेपो रेट है, महंगाई में भी फेड कट कर रहा है, भाई साहब पागल हो गया है, और उल्टा सेंटीमेंट जाएगा। तो वो जो पॉलिटिकल एनालिसिस, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है वापस से 75 आने के टिल नवंबर इलेक्शंस इन अमेरिकन इलेक्शन। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू 75 नो, काफी लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा 75 इन माय पॉइंट ऑफ व्यू नो। सो अब आप बोलोगे तो सर क्या नीचे की तरफ देख लें? नहीं भाई, नीचे भी नहीं जाने वाला है, नीचे भी ज्यादा नहीं जाने वाला है, इन बिटवीन 65 to ये आप हो सकता है थोड़ा बहुत और चला जाए 62-63 ना, बट ज्यादा नीचे यहाँ पे जाने वाला नहीं है। तो नीचे की तरफ जब आप देखो तो बहुत कोशिश रहना आपको, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कोशिश रहना है, क्योंकि नीचे एक बार अगर रिवर्सल हो गया ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो मुझे लगता है कि इन बिटवीन 66 to 70.2 और ये रेंज बाउंड खिसकता रहता है, जो मैं आपको ग्रुप में बताऊंगा रेंज बाउंड की अपनी एक थ्योरी होती है ना। तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल के लिए 66 से लेके आपको 70.2 की एक रेंज रहेगी, इसी में ये घूमता रहेगा। मंडे को मैं बेरिश हूँ, 68 मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। अब मैं इंडियन मार्केट बता देता हूँ, गाइस एक मिनट, तो देखिए मेरा थोड़ा नेट ऑफ हो गया था गाइस, एक मिनट रुकिएगा। तो मैं ऐसे ही लेवल बता देता हूँ आपको, सम थोड़ा सा ग्लिच आ गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे है ना 5,500 से आपके 5,500 से 5,925 के ये एक रेंज बाउंड है, ठीक है ना। नीचे वापस से मुझे लगता है कि आपको कल 5,650 के आसपास, मतलब सोमवार को 5,650 के आसपास के लेवल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को ऑफ करता हूँ गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए सभी के साथ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। विद दिस नाइस कूल एंड नोवल थॉट, दिस इज अजय एंड गाइस साइनिंग ऑफ गाइस। बाय बाय।